देखिए, एक गाना है ना, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। ये कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को सोचने की जरूरत थी कि सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगा और सूरत वाले केस में पूरे ओबीसी समाज को गाली दे दिए, उन्हें पता नहीं चला, और फिर नौटंकी कर दिए कि मुझे मोदी हटा रहा है। जन समर्थन कहाँ से मिलेगा 3600 किलोमीटर पैदल यात्रा करने के बाद? 3 राज्य गंवा दिया, जन समर्थन क्या मिला वो? और अगर उनके पार्टी के कोई लोग कह रहे हैं कि हमें वो जन समर्थन नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए, वो तो मैंने कहा कि अब उनको ध्यान में आ रहा है, उनके सलाहकार लोगों को ध्यान में। वो मैंने पहले कहा ना, वो गाना है सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, अब उनको होश आ रहा है। भारत की जनता उसे किसी को नहीं बर्दाश्त करेगा जो कोई ओबीसी को गाली दे, पूरे देश के ओबीसी को गाली दे। नरेंद्र मोदी जो पूरे दुनिया में भारत का डंका बजा रहा हो, उसको गाली दे, उसको चोर कहे। आप जाओ ना, सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है, जिसके खिलाफ तुमको आवेदन करना है आवेदन करो, रिट करो, जो करो। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत खराब है। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।